जो जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पे नेशनल असेंबली में मौजूद है, उनके पास हुकूमत बनाने के नंबर्स मौजूद नहीं थे, और अब पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए मुआशी जमहूरी हमारे मुआशरे में जो तकसीम फैला हुआ है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा, और हमारा हम सब का पूरा पाकिस्तान का दुआ ये है कि यह हुकूमत कामयाब हो, और जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, बैरून मुल्क जो हमारे मसाइल हैं, हर पाकिस्तानी का जो इस वक्त मीशत में मुश्किलात हैं, कि इन तमाम मसाइल का हल निकालने में अल्लाह ताला हमारे साथ दे और हम कामयाब हो जाएं। वज़ीर आज़म की इलेक्शन के बाद जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें भी हम मुस्लिम लीग नवाज का शुक्रगुजार है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सदर जरदारी साहब का हमायत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। इंशाल्लाह ताला हम मिलके इन तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे, और हमारा पूरा कोशिश होगा कि अवाम की जो उम्मीदें हैं हम सब से, हम उन उम्मीदें के मुताबिक हम परफॉर्म कर सकेंगे। तो एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ।